Hi, this is Ranjit, manager, learning and development and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो दुनिया में सबका सबका एक जैसी समस्या है और कुछ लोग उसे कहते हैं कि यार बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है मेरे को काम करने में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बॉस ना होता तो शायद स्ट्रेस ना होता और लोग इसको कहते हैं बॉस वाला स्ट्रेस। तो आज बात करेंगे 6 पॉइंट्स की जिसमें आपको पता लगेगा कि बॉस वाला स्ट्रेस होता क्या। बेसिकली आप लोग कहते हैं वो बॉस वाला स्ट्रेस है, मैं कहता हूं ये दोनों का ज्वाइंट स्ट्रेस है। कभी कभी बॉस होता है 150%, नीचे वाला 100% होता है। तो कभी कभी नीचे वाला 150% होता है और बॉस 80 और 100% वाला होता है, तो दोनों की केमिस्ट्री मैच नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं बॉस वाला स्ट्रेस। तो बॉस वाला स्ट्रेस के अंदर पहली पॉइंट है अनरियलिस्टिक टारगेट। अनरियलिस्टिक टारगेट किसकी तरफ से? या तो बॉस इतना जबरदस्त है, अपना काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देख रहा है और इंडस्ट्री की इधर उधर जो काम हो रहे हैं उन काम को प्रैक्टिस करवाना चाहता है इन द ऑर्गेनाइजेशन और नए रिसर्चेस पढ़ने के बाद एग्जीक्यूशन की बात करता है। ऑफकोर्स वो जो नया लर्न करेगा, नया सीखेगा, अपने टीम के लोगों से काम करवाएगा, क्योंकि बॉस इज रॉबस्ट, ही इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ही वॉन्ट्स टू अचीव दैट रिजल्ट्स, नॉट जस्ट 100% बट 150% वो नीचे काम देता है। जब नीचे काम देता है तो लोग समझते हैं कि हमारा स्टाफ छोटा है, लोग हम कम हैं और वो काम नहीं कर पा रहे, और जो दिमाग के अंदर कहां क्या शुरू किया, काम नहीं कर पा रहे, तो दिमाग कौन सा केमिकल रिलीज करेगा, नहीं करने वाला, और उनका थॉट और थॉट प्रोसेस माइंडसेट लिमिटेड हो जाता है और उस काम को कर नहीं पाते और इल्जाम लगाते हैं बॉस पे कि ये बॉस वाला स्ट्रेस है, अनरियलिस्टिक टारगेट है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, दोनों के बिहेवियर्स बदल जाते हैं, दोनों की जो केमिस्ट्री है वो मिसमैच हो जाती है और जो रिजल्ट विद इन 5 days और 7 days में आना होता है उसको महीनों और कम से कम क्वार्टर्स लग जाते हैं पूरा करने में। तो दिस इज कॉल्ड यस अनरियलिस्टिक टारगेट फॉर द पर्सन हु इज नॉट परफॉर्मिंग एंड इट कुड बी द अनरियलिस्टिक टारगेट फॉर द बॉस बिकॉज ही इज नॉट मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग अंडर दीज पीपल। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम दैट बॉस वाला स्ट्रेस हैज, हाउ कैन आई मैनेज। ये वाला जो डायलॉग है ये कौन बोलता है, नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट है, अगर वो 150 नहीं है, 100% वाला स्टाइल है, वो सारा दिन चीखता है, चिल्लाता है, मैं कैसे काम को मैनेज करूं, मैं अपने रूटीन टास्क देखूं या बॉस के नए इनिशिएटिव्स को पूरा करूं। अगर इनिशिएटिव दो तो भी उसको मौत पड़ती है, इनिशिएटिव ना दो फिर भी उनको मौत पड़ती है कि यार मेरा बॉस मुझे काम नहीं देता, मेरा बॉस मुझे ज्यादा काम देता है। तो वहां उसके अंदर एक दिमाग में थॉट चलता है, हाउ कैन आई मैनेज। आपको मैनेज कैसे करना है कि अगर आपके पास 9 to 6 hours हैं, यू हैव टू प्रिपेयर द प्रायोरिटी। उन प्रायोरिटी के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, सुबह आते शाम में और दोपहर में, ये 4 चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। नंबर 1 task इज डू, ऐसा टास्क जो को आपको लाजमी करना है, इट मींस दिस इज अर्जेंट एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम द टास्क इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट और नॉट टू मच अर्जेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट एलिमिनेटर्स। एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, कि आपका अर्जेंट नहीं है वो आपका काम इंपॉर्टेंट है। एंड द 4th task which is also very important, the non-value-added task, जिसको हम कह सकते हैं delegate। जो आप routine में रोजाना काम कर रहे हैं, you can give or sign to your subordinates। तो जब आप इस तरह से काम करेंगे, the boss will not be too much pressurized, but you say, how can I manage? And I answer this question, you can manage like this matrix. This matrix is called Eisenhower matrix. I can share you the link in the box and you can further review that video. The 3rd point of the day is time is too short. Boss jo hai na wo time bada short dete hain, 1 mahine ka task ka time 15 din dete hain, hafte ka task ko to 3 din ka time dete hain, 3 din ka task ko to 2 din ka time dete hain. Boss is giving me very short time, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर प्रेशर पैदा होता है, स्ट्रेस आता है और वो मैं काम नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड व्हाट बॉस वाला स्ट्रेस। ये बॉस वाला स्ट्रेस नहीं है भाई, ये बॉस वाला यू स्ट्रेस है। बॉस आपको डेवलप करना चाहता है, बॉस इज टू ऑनेस्ट विद यू बिकॉज बॉस इज 150% एंड ही वॉन्ट्स टू डेवलप यू, ही वॉन्ट्स टू मेक योर सक्सेशन।
He understands that कि अगर मैंने अपनी जगह पे किसी को लाना है तो उसको टफ टाइम देना है, रगड़ा देना है, काम सिखाना है, काम करवाना है. और 150% वाला बॉस कहता है जो काम मैंने 8 सालों में सीखा है वो मैं अपने नीचे वालों को 2 सालों में सिखाऊंगा, जो मैंने गलतियां की सीखने में वो नीचे वालों को सिखाऊंगा ताकि वो डिवेलप हो जाए, मेरी जगह आके मुझे रिप्लेस कर दें और मैं आगे चला जाऊं. दिस इज कॉल्ड व्हाट अ थॉट ऑफ 150%. लेकिन नीचे वाले कभी कभार इसको गलत समझते हैं, वो कहते हैं ये काम हमसे मैनेज नहीं हो रहा बिकॉज टाइम इज टू शॉर्ट. टाइम शॉर्ट नहीं होता, हमारी थॉट बड़ी शॉर्ट और लिमिटेड होती हैं. उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो 6 पॉइंट्स की मैंने बात की थी, 3 पॉइंट्स मैंने पार्ट 1 में कवर किए हैं और जो बाकी रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं वो वीडियो पार्ट 2 में कन्वर्ट करूंगा. और मुझे लगता है कि आप ये वीडियो जब सुनेंगे तो पार्ट 2 खुद क्लिक करेंगे बिकॉज आई बिलीव इन यू. यू लिसन, यू लव, यू वॉन्ट टू अर्न मोर, दैट्स वाई यू वॉन्ट टू लर्न मोर. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी दुनिया में ये वीडियो फैला दें. थैंक यू वेरी मच.